गोंडा में एयरफोर्स के जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। जवान अमित कुमार सिंह उत्तरकाशी में एडवांस माउंटिंग कोर्स की ट्रेनिंग के दौरान आइस स्लाइडिंग में शहीद हो गए थे। इस हादसे में एयरफोर्स के 29 जवान शहीद हुए थे। शहीद अमित कुमार का शव भार्गव कॉलोनी में उनके पैतृक आवास पर पहुंचा, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने नम आंखों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। पहले अमित मेरे साथ ही काम करता था, अभी लास्ट नवंबर में वो एयर हेडक्वार्टर से कोलोकेशन पोस्टिंग जयपुर गया था। किसकी इसकी वाइफ भी जयपुर में जॉब करती है, इसलिए वो कोलोकेशन के लिए गया था। अभी 14 सितंबर को वो एक एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के लिए जो NIM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उसके तरफ से वो एयरफोर्स तरफ से उनके साथ कोर्स के लिए गया था। तो एडवांस कोर्स में कोर्स के बाद एक्सपीडिशन के लिए एक बार पीक पर ले जाया जाता है, तो वो द्रौपदी का डांडा 2 18,600 फीट के आसपास है, वहाँ पर करने गए थे। वो 4 अक्टूबर की सुबह में वो सबमिट अटेम्प्ट कर रहे थे। सबमिट से थोड़ी सी दूरी पे 200 मीटर के नीचे एवलांच आया। एवलांच मतलब जो बर्फ का स्लैब था वो टूट कर गिरा, और नीचे जो उस रूप में टोटल 41 लोग थे उस ग्रुप में, उसमें से 7 इंस्ट्रक्टर थे और 34 ट्रेनीज थे। तो उसमें से 11 लोग की जान बच पाई, बाकी 29 लोग नीचे चले गए, जिसमें से 27 लोग की अभी तक रिकवरी हुई जो डेथ पाए गए हैं, और 2 लोग की अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू चल रहा है, जिसमें अभी वो भी मिले नहीं है, मिशन ऑन है। मैं आज गोंडा सार्जेंट अमित कुमार सिंह को लेकर आया हूँ। एडम स्टेंट हैं, ये 2006 में भर्ती हुए थे एयरफोर्स में। बता दें कि गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के भार्गव कॉलोनी के रहने वाले RP सिंह का बेटा अमित सिंह भारतीय वायुसेना में सर्जेंट के पद पर तैनात थे। बीते 14 सितंबर को वो एडवांस माउंटिंग कोर्स की ट्रेनिंग के लिए 41 सदस्यीय टीम के साथ उत्तरकाशी गए थे। इस दल को 16,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रौपदी का डांडा तक पहुंचना था, लेकिन माउंटिंग के दौरान अचानक आइस स्लाइडिंग हो गई और दल के सभी लोग नीचे गिरने लगे। इनमें से 11 जवान तो किसी तरह से बच गए, लेकिन 29 जवान गहरी खाई में गिरकर शहीद हो गए। सेना ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कुल 27 जवानों के शव को बरामद किया है, जबकि 2 जवान अब भी लापता हैं। इसी में अमित सिंह का शव भी बरामद हुआ था। औपचारिकता पूरी करने के बाद 1 सप्ताह बाद सार्जेंट अमित सिंह का शव उनके भार्गव कॉलोनी स्थित आवास पहुंचा। सेना के वाहन में पहुंचे शहीद अमित के दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगे में लिपटे बेटे के शव को देखकर बुजुर्ग पिता RP सिंह फफक पड़े तो मां बदहवास हो गई। लोगों ने मिलकर मां को संभाला। पत्नी और 1 साल का मासूम बेटा शव को लिपट कर बिलख रहे थे। ये क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। ये कौन है जिनकी मृत्यु हुई है? मेरे बड़े भाई हैं वो। क्या हुआ था, हादसा क्या मामला क्या? माउंटेनिंग के लिए गए हुए थे, उत्तरकाशी गए हुए थे, वहाँ पे स्नो आया और ये बादल फटा और ये सारी लैंडस्लाइड हो गया, इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। कैसे सूचना आप लोगों को मिली? हम लोग को सब वहाँ से हेडक्वार्टर से ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, ट्विटर के थ्रू भी मिल रहा था ये सारी चीज़ें। हम लोग कांटेक्ट में थे क्योंकि हम लोग को पहले ये जो हुआ था उसके बारे में नॉलेज मिल रहा था TV की न्यूज़ के थ्रू। फिर हम लोग ने पता किया तो फिर वहाँ से मेल सारे आ रहे थे, ये सारी चीज़ें आ रही थी, उसी के थ्रू पता चला। आज आए भैया हमारे लखनऊ से और फिर हम लोग जा रहे हैं अयोध्या के लिए। कितने दिनों से थे सेना में? 1 हफ्ता लगभग। सेना में 15 साल लगभग। परिवार में कितने सदस्य हैं? क्या पत्नी बच्चे और कौन कौन है? मदर फादर 2 सिस्टर्स हैं बड़ी, फिर बड़े भाई थे, 1 बहन और 1 मैं, और उनका उनकी वाइफ और उनका 1 बच्चा था 1 साल का। वाइफ क्या जॉब करती है? हाँ, वाइफ जॉब करती है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं जयपुर में। ये घटना कब हुई थी और आप लोग को कब पता चला? हम लोग को एक वीक पहले पता चल गया था, बट ठीक था, एक होप कि हाँ भाई सही सलामत आ जाएगा, लेकिन जो डेड बॉडी की न्यूज मिली है वो हम लोग को 10 तारीख। सभी ने नम आंखों से शहीद अमित कुमार सिंह को अंतिम विदाई दी। सेना के जवान की मौजूदगी में उनका पार्थिव शरीर उनके आवास से अयोध्या के लिए रवाना हुआ, जहां पर अयोध्या में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पंजाब की TV के लिए गोंडा से ओम चंद शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।